यू डूइंग फाइन? माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पीछे का जो स्टैच्यू है वो देखिए तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम आए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। लॉकडाउन के काफ़ी समय के बाद कल से मतलब 17 अक्टूबर से ये वापस से स्टार्ट हुआ है विजिटर्स के लिए, और आज संडे है 18 अक्टूबर और हम यहाँ पे आए विजिट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या क्या विजिट करेंगे, यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, क्या चार्ज है, वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम मिलके विजिट करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट में बुक टिकट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि व्यूइंग गैलरी, सिर्फ एंट्री टिकट, फॉरेनर के लिए भी अलग टिकट है। अगर आपको साइकिलिंग करनी है या फिर रिवर राफ्टिंग करना है तो यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस अवेलेबल है, उसमें से कोई भी पैकेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप बुक टिकट करोगे तो यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें से आपको स्पेसिफिक डेट सिलेक्ट करनी है। डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको स्पेसिफिक टाइम स्लॉट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस टाइम स्लॉट के दौरान ही आपको एंट्री दी जाएगी। टाइम स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको लेजर शो भी एंजॉय करना है तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, हालांकि उसका एक ही टाइम स्लॉट है लेकिन वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप जितने भी पर्सन हो वो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, आप मल्टीपल पर्सन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास चाइल्ड है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर आपको टोटल प्राइस दिखा जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट करके लॉग इन करके मोबाइल नंबर थ्रू लॉग इन करके आप पेमेंट कर सकते हो, और जो भी सॉफ्ट कॉपी हो वो आप अपने पास रख सकते हो और एंट्री टाइम पे आप दिखा सकते हो। आप जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे होंगे तब कुछ किलोमीटर दूर से ही आप स्टैच्यू को देख पाओगे। स्टैच्यू से करीबन 1/2 किलोमीटर आगे पार्किंग की फैसिलिटी है जिसका 4-व्हीलर चार्ज 150 रुपीज़ है होल डे के लिए, और यहाँ से ही आपको बस में फ्री सर्विस थ्रू स्टैच्यू लाया जाएगा। यहाँ पर फ्री लॉकर की फैसिलिटी भी है जहाँ आप अपना सामान रख सकते हो, क्योंकि स्टैच्यू के कैंपस में आप बैग लगेज जैसा सामान नहीं ले जा सकते। एंट्री के टाइम पे COVID-19 सिचुएशन की वजह से आपको स्कैन किया जाएगा, हैंड सैनिटाइज करना पड़ेगा और मास्क कंपलसरी है। स्टैच्यू में 3 व्यू पॉइंट्स हैं, बेसमेंट में एग्जीबिशन गैलरी, स्टैच्यू फुट जहां से आप स्टैच्यू और सराउंडिंग व्यू देख सकते हो, और सबसे टॉप पे गैलरी व्यू जिसमें आप स्टैच्यू के चेस्ट तक जा सकते हो और वहां से टॉप व्यू एंजॉय कर सकते हो। तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे एग्जीबिशन गैलरी, जहां पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में टेक्सचुअल, ग्राफिकल और विजुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आप वहां से ही लिफ्ट थ्रू जो स्टैच्यू का चेस्ट वाला भाग है, जो व्यू गैलरी है, वहां तक जा सकते हो। तो ये है गैलरी व्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आप चेस्ट तक आ सकते हो लिफ्ट के थ्रू, और यहाँ से फ्रंट एंड बैक व्यू जो है वो आप बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर पाओगे। यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो सच में बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे आना टोटली वर्थ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक खूबसूरत व्यू। दो तीन घंटे की विजिट के बाद अगर आपको भूख लगी हो तो आपके लिए यहाँ फूड कोर्ट में मल्टीपल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। लंच के बाद हमने डिसाइड किया था कि वहाँ पर जो बस राइड है जिसमें 1 घंटे में ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स दिखाए जाते हैं वो एंजॉय करेंगे, जिसमें आपको सरदार सरोवर डैम, टेंट सिटी, गोडबोले गेट, BRG बजट स्टे, आरोग्य वन, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, सरदार पटेल वैली ऑफ फ्लावर जैसे मेजर अट्रैक्शन दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए लेजर शो एंजॉय करने के लिए, जो आपकी टिकट में इंक्लूडेड ही होता है। उसका टाइमिंग शाम के 7 बजे का है। अगर आपको सबसे आगे बैठना हो तो आप 1 घंटे पहले जाकर वहां सीट पे बैठ जाना, एल्स लेजर शो तो आप कहीं से भी एंजॉय कर पाओगे। अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल।
करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ इस वीडियो में दी गई कुछ इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी जब आप यहाँ पे ट्रिप बनाओगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो कुछ इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप अपनी जर्नी बेटर बना पाओगे। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।